दिल्ली जाने के लिए भारी संख्या में बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचे। किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पुलिस ने उन्हें रोका। रेलवे स्टेशन पर कर रहे जमकर नारेबाजी। बता दें कि आज दिल्ली जाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया है। इस दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ता सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे या तो जिला प्रशासन हमें गिरफ्तार कर जेल में डाल दे। वहाँ किसान कड़ी ठंड व बरसात में अपनी हक की मांग के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। तो 39 दिन से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। उस आंदोलन में बस्ती, संत कबीर नगर, हर जिले से लोगों को बुलाया जा रहा है। ट्रेनों के माध्यम से लोगों को जाना था। आज यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा, रेलवे के द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है। हम लोगों का ये मांग है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बस्ती जनपद के लोग हम लोगों को क्यों रोक रहे हैं? हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं हुआ। इनका कहना है कि आप दिल्ली मत जाइए, गिरफ्तारी दीजिए। हमारा कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, अब आप नहीं जाने देंगे तो हमको गिरफ्तार करिए, हमको जिला जेल भेजिए। अच्छा, क्या मांगे वही है जो मांगे? जो 3 कृषि कानून जो पारित किए गए हैं, काले कानून, उनको वापस किए जाए। और जो समर्थन मूल्य का मामला, 23 फसलों का जो सरकार समर्थन मूल्य तय करती है, धान, गेहूं, मक्का सहित, उस पर जो सरकारी रेट गवर्नमेंट तय करती है, उस पर कानून बना करके खरीद की गारंटी ली जाए कि जैसे धान की कीमत 1865 रुपए 1900 है, तो उससे कम पर प्राइवेट में भी खरीदारी ना हो। अभी आप लोग गिरफ्तारी यहाँ पे दे रहे हैं? अब हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, ट्रेनों में बैठने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ का प्रशासन चाहे तो हमको गिरफ्तार करे और जिला जेल भेजे। अब हम घर नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे। क्या नाम है आपका? दीवान चंद पटेल, चेयरमैन गन्ना समिति मुंडेरवा, मंडल अध्यक्ष बस्ती मंडल बस्ती।